दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट टीवी न्यूज ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल क्रिसमस था एंड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी क्रिसमस एंड ऑल्सो ऑफकोर्स द हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अब इस हफ्ते मतलब आने वाले हफ्ते में तो मतलब ईयर एंड हो जाएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के सबसे इंपॉर्टेंट ईवी न्यूज। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आता है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, जहां पर डिलीवरीज कुछ लोगों को ऑलरेडी शुरू हो गई है। लेकिन इट्स सरप्राइजिंग कि जो इनिशियल बैच में लोगों को गाड़ियां मिली हैं, उन्हें ऑलरेडी इश्यूज देखने मिल रहे हैं। अब ओला ने 1200 करोड़ रुपए के स्कूटर्स बेचे थे सितंबर के महीने में, और ऑलरेडी उन्हें यहां पर काफी नेगेटिव फीडबैक देखने मिल रहा है। यहां पर एक ट्वीट मैंने नोटिस किया था, जो था कार्तिक वर्मा, जो एक कस्टमर है, उन्होंने परचेस किया था ओला S1 प्रो स्कूटर, और उन्होंने यहां पर व्हीकल डिलीवर होने के बाद कुछ फोटो शेयर किए थे। आई एम सुपर शॉक्ड, क्योंकि यहां पर उनका दावा है कि भाई काफी लोगों के जो डिलीवरी मिली है उनके साथ यह हुआ है। उनका बोलना यह था कि भाई अगर गाड़ी के अंदर इस तरह से सेटअप रहेगा तो मतलब पानी आराम से अंदर चला जाएगा, और आने वाले दिनों में मतलब LCD भी खराब हो सकती है, जिसके कारण उन्हें एडिशनल कस्टमर को पैसे भी देने पड़ेंगे। तो दिस वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ द मोमेंट राइट नाउ। और मुझे लग रहा है कि ओला कुछ ज्यादा स्पीड से डिलीवरी के चक्कर में यहां पर क्वालिटी टेस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा डिले या फिर इग्नोर कर रहा था, और डिलीवरी करने के चक्कर में यहां पर ये इश्यूज हो रहे हैं। बट देन ऑफकोर्स कोई भी नई चीज, कोई भी पहला मतलब बेसिकली पहला आईफोन भी परफेक्ट नहीं था। आने वाले आइट्रेशंस में चीज़ें बेटर होती हैं। ऑफ कोर्स जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले बुक किया है, उन्हें ये चीज़ों का मतलब एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, लेकिन उन्हें वो स्वैग फैक्टर भी मिलता है कि भाई आई वॉज वन ऑफ द अर्ली बायर्स और अर्ली यूजर्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इसके बाद न्यूज़ निकल के आता है टेस्ला को लेकर, और टेस्ला को बेसिकली अप्रूवल मिल गया है 3 और एडिशनल ट्रिम्स के, जो है उनके व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, और यहाँ पर इंडिया में टोटल 7 डिफरेंट वर्जन्स का अप्रूवल उन्हें मिल गया है। हालांकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है उनके लॉन्च के टाइमलाइन को लेकर। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर इंडिया इज द बिगेस्ट ऑटो मार्केट, लेकिन अभी तक टेस्ला यहाँ पर आया नहीं है। और पिछले कुछ सालों से इलॉन मस्क कहते ही रहते हैं कि भाई टेस्ला आ रहा है इंडिया में एंड स्टे ट्यून्ड, बट लग रहा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैरिफ्स थोड़ा सा डिले हमें और एडिशनल देखने मिलेगा। बट मेरा जो एलोकेशन है, मुझे लग रहा है कि भाई 2022 में टेस्ला अपना एक कोई ना कोई मॉडल तो ऑफिशियली लॉन्च कर देगा, एंड दैट वुड बी एट अ वेरी प्रीमियम प्राइस पॉइंट, क्योंकि कोई टैक्स के ऊपर वो वेट नहीं करेंगे और वो सिर्फ एटलीस्ट अपनी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, वापस से हम बात करते हैं ओला की, और यहाँ पर ओला का जो ड्रीम था वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कूटर फैक्ट्री का, वो यहाँ पर एक ब्रेक लगा चुका है। और यहाँ पर ये जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उन्होंने प्लान किया था कि फरवरी तक सारे ऑर्डर्स को वो डिलीवर कर देंगे, विच इज़ नॉट बैड, बट देन एज ऑफ नाउ 150 गाड़ियां उनकी डेली बन रही हैं, एंड दैट्स द करंट स्पीड, विच मींस वी कैलकुलेटेड मंथली 4500 व्हीकल्स, और एज ऑफ नाउ उनके पास 90,000 ऑर्डर्स का कंफर्मेशन है। मतलब आप सोचिए कि 4500 के हिसाब से तो उनको कम से कम 20 महीने या 24 महीने लग जाएंगे। और उनका जो बॉडी शॉप है वो हाफ कैपेसिटी पे काम कर रहा है, पेंट शॉप अभी तक काम भी नहीं कर रहा है। तो लेट्स होप गुड दैट यू नो कंपनी अपना टारगेट जो बोल रही है वो उसे कंप्लीट करेगी अपने प्लान टाइमलाइन के अंदर, बट आई थिंक देर वुड बी फर्दर डिलेज। इसके बाद हम बात करते हैं ओकिनावा ऑटोटेक की, और इस कंपनी ने 1,00,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेच दिए हैं। अब ओकिनावा के बारे में हम डेली बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा चीज़ें बातें होती हैं हाइप की ओर, जो है ओला स्कूटर, सिंपल वन, एथर, लेकिन ओकिनावा ने यहाँ पर साइलेंटली लो प्राइस के ऊपर लो स्पीड के मॉडल्स, मतलब हाई स्पीड लो स्पीड के भी मॉडल्स लॉन्च किए थे, जैसे कि आई प्रेस प्लस, आई प्रेस प्रो, थोड़े नाम कंफ्यूजिंग है, बट देन टेक्निकली उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मार्केट स्कूटर्स की मार्केट में 60-70% का शेयर ले लिया है और 1,00,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेच दिए हैं। और आई थिंक दिट्स क्लियरली बिकॉज ऑफ इट्स डीलरशिप नेटवर्क, जहाँ पर इन्होंने 400 आउटलेट ऑल ओवर द Tier 2, Tier 3 और रूरल मार्केट्स में खोले हैं। और उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली उन्होंने ओकिनावा का गैलेक्सी, जो है एक प्रीमियम एक्सपीरियंस सेंटर, उत्तराखंड में भी खोला था, जहाँ पर लोगों को उन्हें प्रीमियम और फ्यूचर एक्सपीरियंस भी मिल जाए। बट देन इट्स क्लियरली एविडेंट दैट इंडिया में ईवी का मार्केट तो बहुत ही बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं TVS iQube की, और यहाँ पर TVS iQube ने बजाज चेतक के सेल्स को बीट कर दिया है नवंबर 2021 के नंबर्स के हिसाब से। यहाँ पर TVS ने बेचे थे 699 यूनिट्स वहीं पर iQube के, और उसी के अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन में बजाज चेतक के, तो उन्होंने बेचे हैं 511 यूनिट्स, मतलब ऑलमोस्ट 200 यूनिट्स का डिफरेंस है। और वहीं पर दोनों गाड़ियाँ मतलब दोनों मॉडल्स यहाँ पर क्लियरली एक दूसरे के सामने काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और इंडिया में दोनों के दोनों यहाँ पर जनवरी 2020 में लॉन्च हुए थे, और अभी एज ऑफ नाउ TVS ने बजाज को भी मात
दे दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल एनर्जी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर, और उन्होंने ज्वाइन किए हैं अपने हैंड्स आईआईटी इंदौर के साथ, जहां पर वो काम करेंगे उनके जो फ्लैगशिप ई स्कूटर है उसके ऊपर, और प्लस एडिशनल फ्यूचर डेवलपिंग जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर। यहां पर ये फोकस करने वाले हैं एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, एंड सिंपल वन एंड जो एक आईआईटी है ये मिलकर कंप्लीट आरएनडी करेगा इसी कंप्लीट एरिया के ऊपर। यहां पर उनका फोकस है कि भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेफ्टी को इंप्रूव करें, डिपेंडेबिलिटी और लाइफ स्पैन जो उनके बैटरी मॉडल्स की है उसे भी वो बढ़ा दे। एज ऑफ नाउ जो भी यूजर्स है उनको देखने में मिलते हैं बैटरीज के इश्यूज, तो कंपनी का यही टारगेट है कि भाई हम आईआईटी के साथ काम करेंगे और वहां पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन लेके आएंगे जिससे वो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सके। और यहां पर ये जो टाइप है इसके बेस के ऊपर आरएनडी उनकी आगे अगले लेवल पर चली जाएगी। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज यहां पर क्या होता है कंपनीज अपना खुद का ही आरएनडी करते हैं काफी मैक्सिमम कंपनीज, लेकिन जनरली क्या होता है कंपनीज अपने खुद के आरएनडी सेंटर्स ही खोल देते हैं। बट देन अगर हम देखें तो यहां पर सिंपल वन का जो अप्रोच है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आईआईटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पर यंग माइंड्स है उनके साथ अगर वो काम करते हैं तो उनको बेटर आरएनडी मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, और उसी के बेसिस पे वो प्रोडक्ट को भी बेटर बना सकते हैं। अगेन ये थे सबसे इंपॉर्टेंट ईवी न्यूज ऑफ द वीक। मेरे लिए तो ये आईआईटी और सिंपल एनर्जी का जो न्यूज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। आपके लिए कौन सा न्यूज था इंपॉर्टेंट वो सबसे पहले आप नीचे कॉमेंट कर दीजिए, और अगर आप हैदराबाद से है तो नीचे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन एरिया में, आप हमारे उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और हम लोग साथ में मिलकर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ वीडियोस भी बनाएंगे। दर्शक दोस्तों ये था ईवी न्यूज ऑफ द वीक। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।